गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास थर्ड साइंस का चैप्टर यूनिट 2 प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ्स होती क्या, प्लांट्स और एनिमल के बीच में डिफरेंस होता क्या, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले इनके बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जा सकते हैं। एंड द प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। और जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड के साथ चिपके होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज एनिमल्स डू नॉट मेक देयर होम food, they can eat by moving one place to another। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जानवर होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना भोजन मांग के ले लेते हैं। जैसे कि कहीं कोई कुछ गिरा हो, मांस हो, चपाती हो, कुछ भी हो, वो उनको खा लेते हैं। मींस एनिमल्स होते हैं ग्रास, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो खा सकते हैं। एंड द प्लांट्स आर प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड by photosynthesis। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण। वो होता क्या है कि सूर्य की रोशनी में जो पौधे हैं वो अपना खाना स्वयं बना देते हैं। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है, जिससे जो उसके रूट्स होते हैं वो पानी को खींच के और उस क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों, ये था डिफरेंस एनिमल और प्लांट्स के बीच में। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।